नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल देव MTR में। तो दोस्तों आज हम इसका रिव्यू करेंगे, ये है रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रा ES 350 मॉडल। तो दोस्तों मेनली ये गाड़ी तीन कलर में आपको अवेलेबल होती है, सिल्वर, मैरून और ब्लैक कलर में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं कलर के लिए। तो दोस्तों बात करूँ इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों बात करता हूँ सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ से। आप देख सकते हो दो छोटी छोटी लाइट मिल जाती हैं कांच वाली है। इसके साथ ही आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है। ये जो मॉडिफाई वाली लाइट है, यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश मिलती है। इस मॉडल में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको दो टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट साइड में। इसके साथ ही आपको क्रोम फिनिश में आपको मड गार्डर मिल जाता है पतले टाइप का। इसके साथ ही आपको दो इंडिकेटर मिल जाते हैं पानी कलर के, वाटर कलर के। और साथ ही आपको यहाँ पे दोस्तों डिस्क पैड को लॉक करने का, आपको यहाँ पे लॉक करने का सिस्टम मिल जाता है। ये आपको एसेसरीज बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बात करूँ इसके फ्रंट टायर की, तो टायर में आपको ट्यूब टायर मिलता है विद स्पॉक व्हील के साथ, स्पॉक वाली जो रिम होती हैं, तिल्ली वाली जिनको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रा ES मॉडल दोस्तों काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन इसमें मेजर चेंजेस क्या हुआ है। सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आप देख सकते हो, ABS सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है, जिससे गाड़ी कम डिस्टेंस में हाई स्पीड पर बहुत जल्दी कवर हो जाती है, और जो पानी में अगर आप चला रहे हो तो गाड़ी फिसलने से भी आप बच जाते हो। दोस्तों बात करूँ इसके डिस्क व्हील के साइज़ की, तो इसमें 280mm का डिस्क व्हील का साइज़ मिल जाता है। और रियर की अगर हम बात करें, जो इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, और ड्रम का जो रियर ब्रेक का जो साइज़ है वो है 153mm का। इसके साथ ही आप दोस्तों देख सकते हो कि इसमें आपको लेग गार्ड नहीं मिलता है, लेग गार्ड आपको शोरूम से लगवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शोरूम से लेग गार्ड बिल्कुल भी ना लगवाएं, वो लोग दुगने तिगने दाम पर देते हैं। तकरीबन हमें जो है 3000 रुपये का लेग गार्ड दिया था उन लोगों ने। अगर दोस्तों आप आफ्टर मार्केट से लेग गार्ड लेते हो तो क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, और 1800 रुपये का आपको मिल जाता है। बात करूँ दोस्तों इसकी चाबी की, तो इस टाइप की इसकी चाबी मिल जाती है। इसमें आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाता है, और दोस्तों इसके साथ ही आपको क्रोम फिनिश का जो हैंडल होता है, हैंडल वार होती है, वो मिलता है। और इसके साथ ही आपको क्रोम फिनिश में, ये भी आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं दोनों के साइड मायरर। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कंसोल की, तो कंसोल में आप देख सकते हो इसमें आपको एक मीटर मिल जाता है, जिसकी जो स्पीड है 160 स्पीड है किलोमीटर पर आवर। और इसके साथ ही ये गाड़ी 8889 किलोमीटर चल चुकी है, दो तीन सर्विस हो चुकी हैं इस गाड़ी की। 3000 रुपये आपको सर्विस करानी पड़ती है। इसके साथ ही आपको पेट्रोल का इंडिकेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन को ऑफ और ऑन करने की यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेल्फ का मिल जाता है। इसके साथ ही आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लिच, और ये आपको गाड़ी के हेडलाइट को पास करने के लिए बटन मिल जाते हैं। इसके साथ ही गाड़ी की जो हेडलाइट को नीचे और ऊपर की साइड रिफ्लेक्ट करने के लिए जो लाइट को वो मिल जाता है। इसके साथ ही आपको लेफ्ट और राइट टर्न में इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है हॉर्न। तो दोस्तों इसके बात करूँ इसके इंजन की, तो इंजन आप देख सकते हो इंजन में कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको गियर मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम आते हैं इसकी दूसरी तरफ। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक कार्बोरेटर मिल जाता है गाड़ी का, और यहाँ पे ट्विन स्पार्क 350cc का इंजन है। यहाँ पे दो स्पार्क प्लग इस गाड़ी में लगे हुए हैं, एक इस साइड है और एक उस साइड है। हम इसके इंजन की, तो इसका इंजन है 346cc का, जो कि 19.8 BHP की पावर जनरेट करता है 5200 की RPM पे। दोस्तों इसका जो टॉर्क है वो है 28 Nm 4000 RPM पर। इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड में किक, और इसके साथ ही यहाँ पे ब्रेक मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे क्रोम फिनिश का आपको यहाँ पे साइलेंसर मिल जाता है। अगर आप बाहर से साइलेंसर लगवाते हो तो पुलिस वाले आपका चालान कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप ये दो डिग्गी मिल जाती हैं, एक इस साइड राइट हैंड साइड पर देख लीजिए आप देख सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करूँ इसकी सीट की, तो ये सीट भी इसकी मॉडिफाइड है। इसके साथ जो सीट आती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो वो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्ट नहीं होती है। आप चाहो तो उसको चेंज भी करा सकते हो। इसके साथ ही बात करूँ दोस्तों इसके सस्पेंशन की, तो इसकी जो रियर सस्पेंशन है एडजस्टेबल है। आप इसको अपनी वेट और हाइट और सब के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो।
इसके साथ ही बैक साइड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का मड गार्डर मिलता है जो कि काफ़ी पतला है। इसके साथ ही आपको चौकोर लाइट मिल जाती है और इसके साथ ही यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ सबसे नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है रात के लिए और दो वाटर कलर में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात करूँ इसके पहिए की आगे की और पीछे की, तो इसमें आपको स्पॉक वाले व्हील मिलते हैं, तिली वाले रिम मिलते हैं। इसके साथ आपको जो है ट्यूब वाले टायर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, फ्रंट वाला और रियर वाला भी। तो इसमें आपको एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक लॉक मिल जाता है, यहाँ पे आप गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पे आपका एक हैंडल मिल जाता है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो गाड़ी को नीचे उतारने के लिए। इसके साथ ही आप बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की, तो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है और जो कि काफ़ी इस तरह का होता है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों नॉर्मली इस गाड़ी का जो रिव्यू मैंने फाइनली कर दिया है, इसके साथ क्या क्या आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस गाड़ी को आप ना ही लें तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने दो मॉडल लॉन्च किए हैं, 350 और 350X। तो 350 में आपको सेल्फ वाला मॉडल ले लेना चाहिए, उसकी कीमत इससे बहुत कम है। ये नॉर्मली आपको 156,000 की ऑन रोड गुड़गांव के, गुड़गांव हरियाणा। दोस्तों इसका जो टॉर्क है वो है 28 न्यूटन मीटर 4000 RPM पर। इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड में किक, और इसके साथ ही यहाँ पे ब्रेक मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे क्रोम फिनिश का आपको यहाँ पे साइलेंसर मिल जाता है। अगर आप बाहर से साइलेंसर लगवाते हो तो पुलिस वाले आपका चालान कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप ये दो डिग्गी मिल जाती हैं, एक इस साइड राइट हैंड साइड पे देख ली आप देख सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोस्त। और दोस्तों बात करूँ इसकी सीट की, तो ये सीट भी इसकी मॉडिफाइड है। इसके साथ जो सीट आती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो वो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्ट नहीं होती है, आप चाहो तो उसको चेंज भी करा सकते हो। इसके साथ ही बात करूँ दोस्तों इसके सस्पेंशन की, तो इसकी जो रियर सस्पेंशन है एडजस्टेबल है, आप इसको अपनी वेट और हाइट और सब के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही बैक साइड में अगर हम जाते तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश का मड गार्डर मिलता है जो कि काफ़ी पतला है। इसके साथ ही आपको चौकोर लाइट मिल जाती है और इसके साथ ही यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ सबसे नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है रात के लिए और दो वाटर कलर में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात करूँ इसके पहिए की आगे की और पीछे की, तो इसमें आपको स्पॉक वाले व्हील मिलते हैं, तिली वाले रिम मिलते हैं। इसके साथ आपको जो है ट्यूब वाले टायर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, फ्रंट वाला और रियर वाला भी। तो इसमें आपको एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक लॉक मिल जाता है, यहाँ पे आप गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पे आपका एक हैंडल मिल जाता है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो गाड़ी को नीचे उतारने के लिए। इसके साथ ही आप बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की, तो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है और जो कि काफ़ी इस तरह का होता है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों नॉर्मली इस गाड़ी का जो रिव्यू मैंने फाइनली कर दिया है, इसके साथ क्या क्या आता है, गाड़ी आपको 156,000 की या 155,000 की आपको ऑन रोड मिलेगी। दोस्तों इससे अच्छा है कि आप 148,000 रुपये में सेल्फ वाला मॉडल लें, इसमें क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज है, वो लेटेस्ट है, तो उसी चीज़ को आप ख़रीदें। अभी ये VS6 में आ चुकी है तो कीमत भी इसकी 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो गई होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, इस गाड़ी का जो प्राइस है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो।